Class 6th. So students, we have completed chapter number 3, motions of the earth, which is related to a geography portion. And in this chapter we have done question number A, question number C. We haven't done question number B yet, and I haven't explained question number C. So in this class we are going to cover up question number B and C. So let's move forward. Mention true or false. So first question is, the equator experiences 6 months of daylight during summer. So the answer is true, because इस question में ये पूछा गया है कि क्या equator पे summer के time पे जो 6 महीने का दिन होता है. तो अगर हम इस diagram को देखेंगे, in this diagram, so जो हमारी जो इक्वेटर वाला पोर्शन है वो मिडिल पोर्शन है, और ये समर की बात कर रहा है. तो यहाँ पर आपकी सन होगी, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन रेज सीधी पड़ती हैं. तो इक्वेटर ऐसा पार्ट है जिस पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा सन रेज पड़ रही हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में. मिडिल का पार्ट है, वो बीच का पार्ट है. तो यहाँ पर 6 महीने का जो डे लाइट है वो समर सीजन में रहेगी. सो द आंसर इज ट्रू हेयर. Now question point number 2, on summer solstice the rays of the sun fall vertically on the tropic of cancer. So हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, एंड इस क्लास में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स क्या होते हैं. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट इक्विनॉक्स मीन्स जब दिन और रात वर्ल्ड में बराबर हो, 12 घंटे का दिन हो, 12 घंटे की रात हो, उसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं. सो इक्विनॉक्स 2 डेट पर होता है. पहली डेट है 21st March, एंड द सेकेंड डेट इज 23rd September. ओके, सो इन 2 दिनों में इक्विनॉक्स होता है. फिर उसके बाद जो सन रेज हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, फिर दिन और रात बराबर होते हैं इक्विनॉक्स, फिर सन रेज पड़ती हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, फिर सेंटर, फिर नॉर्दर्न, फिर सेंटर, फिर सदर्न, सेंटर, नॉर्दर्न, सेंटर, सदर्न. इस तरीके से एक सर्कल चलता है. सो इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है उसमें ये पूछा गया है कि समर सोलिस्टिक में जो रेज हैं वो वर्टिकली मीन्स सीधी पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. सो द आंसर इज़ ट्रू, बिकॉज समर सोलिस्टिक मतलब जब जो सन रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़े. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं जो सन रेज, वो है 21st of June. सो वर्टिकली पड़ती हैं, डायरेक्ट रेज पड़ती हैं. तो ये बिल्कुल ट्रू है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फेब्रुअरी इन अ लीप ईयर हैज़ 29 डेज. यस, ऑब्वियसली फेब्रुअरी, जिस साल लीप ईयर होता है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है. लीप ईयर मतलब अर्थ अपना रिवॉल्यूशन, मीन्स अर्थ जो चक्कर लगाती है पूरे सन की, वो लगाती है एग्जैक्टली 365 days 5 hours 48 minutes and 46 seconds. तो ये जो एकदम फिक्स डेट नहीं है, कुछ दिन बच रहे हैं, कुछ घंटे बच जाते हैं, तो ऐसे करते 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 पूरा एक दिन काउंट कर लेते हैं हम लोग, और वो जाके जोड़ देते हैं हम 4th year में. मतलब 4th साल में हम लोग एक दिन को ऐड करते हैं. सो मान लेते हैं 2016 को लीप ईयर था. सो 2016, 17, 18, 19, 20. तो 2016 को लीप ईयर था, तो ये जो एक दिन बढ़ता बढ़ता है, हम 2017 में नहीं जोड़ेंगे, 18 में नहीं जोड़ेंगे, 19 में नहीं जोड़ेंगे, हम लोग उस साल को ऐड करेंगे इन द 4th year इन 2020. सो 366 डेज 2016 में थे, तो 366 डेज होंगे अब इन द नेक्स्ट 4th year मीन्स 2020 में. अब वो 366 डेज में जो एक दिन हमने बढ़ाया है ना, वो हम कौन से मंथ में जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं फेब्रुअरी में. सो द क्वेश्चन इज, फेब्रुअरी इन अ लीप ईयर हैज़ 29 डेज. येस, द आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर ऑन 21st March,
द आंसर इज़ करेक्ट बिकॉज इन द पॉइंट नंबर सेकेंड हम लोगों ने ये देखा था कि इक्विनॉक्स मीन्स दिन और रात बराबर, और इक्विनॉक्स पर जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर पे, तो ये दो डेट्स हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर, सो इसका आंसर भी ट्रू है. फिफ्थ, द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट इज 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड, सो दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट कि जो अर्थ की रिवॉल्यूशन की स्पीड है, जो अर्थ अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है वो कितनी स्पीड पे लगाती है, 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड. एज वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ये जो चक्कर लगा रही है ना अर्थ, तो 29.6 किलोमीटर पर स्पीड से वो रिवॉल्यूशन लगा रही है सन की. नाउ द आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर बी सिक्स, द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन एट इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर पर आवर. सो द क्वेश्चन नंबर B6 द आंसर इज करेक्ट. इक्वेटर पे जो अर्थ रोटेट करती है वो स्पीड है 1600 किलोमीटर पर आवर. इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे कि अर्थ की ये शेप है, इक्वेटर पे जिस तरीके से जिस स्पीड में वो घूमती है वो 1600 किलोमीटर पर आवर, और अगर यहाँ पे 45 डिग्री की बात करें, 45 डिग्री पे 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ रोटेशन लगाती है. सो इन सिक्स्थ सारे के सारे बी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 के आंसर्स हैं ट्रू. सो एक बार मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ, ट्रू सभी के आंसर्स ट्रू. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. Very short answer type questions. So we have done all these question answers. I'm just explaining the answers again. Question number 1. Name the two motions of the earth. Means kis tarike se earth move karti hai. So the two motions of the earth are as follows. First is rotation and the second one is revolution. Rotation means earth rotate karti hai apne axis pe. So simple definition is the daily spinning movement of the earth from west to east. West to east direction में अर्थ का डेली अपने एक्सिस पर स्पिन करना क्या कहलाता है. एक्सिस ये रहा इसका डेली वेस्ट टू ईस्ट. इसमें एक और क्वेश्चन और आ रहा है कि अर्थ की डायरेक्शन क्या है. सो डेली उसका स्पिन करना एक ही जगह पर वो क्या कहलाता है, रोटेशन. नाउ रिवॉल्यूशन क्या है. रिवॉल्यूशन मीन्स कि द एनुअल मूवमेंट, साल भर का मूवमेंट, द एनुअल मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज द फिक्स पाथ. द नेम ऑफ दिस फिक्स पाथ इज ऑर्बिट. ऑर्बिट पर ये चारों तरफ, सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर एनुअल मूवमेंट करती है, साल भर का मूवमेंट करती है, जिसके डेज क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच मोशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द फिनोमेना ऑफ डे एंड नाइट. तो डे और नाइट कैसे होते हैं, कौन से फिनोमेना से होते हैं, क्या वो रोटेशन से होते हैं या फिर वो रिवॉल्यूशन से होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज रोटेशन. रोटेशन मीन्स डेली का उसका घूमना, और डेली ही साल भर में तो ऐसा होता नहीं है, एक साल बाद दिन आएगा फिर अगले साल पूरी रात रहेगी, तो ऐसा तो है नहीं. तो हमारे जो दिन रात होते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं, और डेली बेसिस क्या है, रोटेशन है. मूवमेंट डेली स्पिनिंग मीन्स द डेली स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द सन क्या कहलाता है, रोटेशन. सो द आंसर इज रोटेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है. Now question number 4, what is the exact time taken by the earth to complete one revolution. What do you mean by revolution, sorry. Sorry for the interruption. Revolution means ki annual movement of the earth around the sun.
we have done this point earlier. So the exact time taken by the earth to complete one revolution is 365 days 5 hours 48 minutes 46 seconds. So approximately 365 days हम इसे बोल सकते हैं, बट अगर वो exact time पूछ रहे हैं, so exact time revolution का है 365 days, sorry 5 hours 48 minutes and 46 seconds. Revolution मतलब ये जो चक्कर है वो कितने दिन में लगाती है exact time. Now question number 5th, last question. When do the summer and winter solstice occur? So summer solstice means जब जो sun है sun की vertical rays पड़ रही है northern hemisphere पे, and winter solstice means जब sun की vertical rays पड़ रही है southern hemisphere पे. So summer solstice आता है गर्मियों में, जो कि date है 21st June, and अगर बात करें winter solstice की, winter solstice आता है सर्दियों में, जो कि डेट है 22nd दिसंबर. नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू क्वेश्चन नंबर डी. दैट्स इट फॉर नाउ.